कुछ लोग धर्म के नाम पर भेदभाव का पाठ करते हैं। जब हम सभी इंसान हैं, सभी को बराबर भूख लगती है, सभी को रोटी कपड़े मकान और घर की जरूरत पड़ती है, तो साथियों सभी को सम्मान और स्वाभिमान भी प्यारा लगता है। रोटी की भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन सम्मान पर कोई चोट करता है तो सम्मान की भूख अगर एक बार किसी ने उसको अपमानित कर दिया तो सम्मान की भूख कभी वापस नहीं होती है। यानी हम रोटी आज नहीं मिलेगी, कल खा लेंगे, बात चल जाएगी, लेकिन आज अगर कोई हमें अपमानित करता है तो ये अपमान जिंदगी भर हमें कचोड़ता रहे। कोई धर्म के ठेकेदार धर्म की आड़ में यहां की महिलाओं के साथ भेदभाव किया, आदिवासियों के साथ भेदभाव किया, दलितों के साथ भेदभाव किया, पिछड़ों के साथ भेदभाव किया, आखिर क्यों भाई? क्या महिलाएं इंसान नहीं है? क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या दलित इंसान नहीं है? क्या पिछड़ा इंसान नहीं है? अगर इंसान है तो आपकी तरह इनको भी भूख लगती है, आपकी तरह इनको भी सम्मान प्यारा है। तो धर्म के नाम पर गाली को, धर्म के नाम पर नीच और धन क्यों कहा जाता है? धर्म के नाम पर अपमानित करने की बात क्यों की जाती है? धर्म के नाम पर मारने पीटने या प्रताड़ित करने की बात क्यों की जाती है? स्वामी जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। स्वामी जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। साथियों मैं पूछना चाहता हूं, हमने क्यों ने छोटी सी बात कही और अपनी नहीं कही? जो तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस में लिखा गया, हमने केवल उसकी बात कही। उसमें जरा लिखा है कि जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। यानी जे बड़ा धम यानी अधम से धम यानी नील जातिया। हमारे कोल जी बैठे हैं, जरा आपको अब बताओ इनकी ये किस मामले में कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं? अब इनको कहते हैं नीच। क्या धर्म को सम्मान देता है? क्या धर्म के नाम पर आप किसी को गाली दे सकते हैं? या क्या गाली धर्म हो सकता है? नहीं। क्या अपमान करना धर्म हो सकता है? नहीं। तो इसको आप धर्म कैसे मानते हो? हमने तो केवल यही कहा, इन पंक्तियों से जाति विशेष को इंगित करते हुए आपने नीच कहा, अधम कहा। आखिर क्यों कहा? अब एक वर्ग के लोग पूरे देश में पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बौखला गए। भाई हमने आपको गाली दिया नहीं, हमने आपको चाटा मारने के लिए कहा नहीं, हमने आपको नीच और अधम कहा नहीं, हमने आपको अपमानित और प्रताड़ित करने की बात कही नहीं। हमने तो केवल ये कहा कि धर्म के नाम पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को
कहीं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहना, अधम कहना, कहीं महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने की बात करना, कहीं पर विद्वान होने के बावजूद भी इनको सम्मान न देने की बात करना, आखिर ये कहां का धर्म है।